तू न कह हुसैनी, तेरा वजूद देख के लोग कहें ये हुसैन है। एक अंग बताए, तेरा जिंदगी का एक एक रंग बताए, तेरे चलने का एक एक ढंग बताए, तेरा वजूद बताए कि हो तू हुसैनी, तेरा चलना फिरना बताए कि तू हुसैनी, तेरा उठना बैठना बताए कि तू हुसैनी, तेरा खाना पीना बताए कि तू हुसैनी, तेरी तिजारत बताए कि तू हुसैनी, तेरी मईशत बताए कि तू हुसैनी, तेरी माशरत बताए कि तू हुसैनी, तेरा लेन देन बताए कि तू हुसैनी, तेरा कौल बताए कि तू हुसैनी, तेरी नमाज बताए कि तू ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, ओ इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। पंजाबी समझ आ जाएगी, पठान तो नहीं चौके बैठे। हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है हुसैन, हुसैन है सखी मेरा, हुसैन मेरा पीर है, हुसैन दोष मुस्तफा दा शाह सवार अमीर है, हुसैन है कुरान दी आयात विच आबाद मन, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद मन, मदीनतुर रसूल तू मैदान करबला तलक, तन बदन लहू जिगर अजान करबला तलक, यजीद बा फसाद है हुसैन दा जिहाद। हुसैन दा जिहाद मन, न बैस कर न बैस है, हुसैन एक मयार है, हुसैन दे लहू दे विच अली दा एक खुमार है। हुसैन दी हसीन है, हसीन सब रोयदाद मन, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को माशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को माशर में चैन होगा, नबी मोहब्बत करेंगे उससे के जिसके दिल में हुसैन होगा। मैं दावत फिक्र दे रहा हूँ, जिस तरह अपने बाप के दोस्त को सलाम करता है, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखता है, हुजूर के दोस्तों से मोहब्बत रख, हुजूर के रिश्तेदारों से मोहब्बत रख। कल कयामत के दिन तुझे न सहाबा के सामने शर्मिंदगी हो, ना अहले बैत के सामने शर्मिंदगी हो। किसी के कहने पर अपनी आखिरत अपना अकीदा खराब मत कीजिए। अकीदे के लिए अल्लाह ने कुरान भेजा है, आका का फरमान है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, वो भी मान अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और वो भी मान जो वो रसूल कह रहा है। रब की इताअत भी कर, रसूल की इताअत भी कर। मन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं फिर जब तू रसूल मेरे की इताअत करेगा तो मेरी इताअत तो उसी में हो जाएगी। और रसूल की इताअत के लिए सहाबा भी मयारे हक, आले बैत भी मयारे हक। आज इस मजलिस में, खूबसूरत मजलिस में, अपने अकीदे को अमन देने के लिए, मुल्क को अमन देने के लिए, मुआशरे को अमन देने के लिए तहैया कर लीजिए। जो भी फिरका वारियत फैलाएगा उसकी बातों में नहीं आएंगे, बोल बोल, उसकी बातों में नहीं आएंगे, उसकी बातों में नहीं आएंगे। तुझे नहीं पता तुझसे गलत अंदाज में किस तरह काम लेकर बैरूनी कुव्वतें खुश होती हैं कि ये कौम तकसीम हो जाए तो फिर इन पर हमला किया जाए। मोदी ये नहीं देख रहा कि मैं किस पर किसे ललकार रहा हूँ, वो पाकिस्तान को ललकारता है, और पाकिस्तान के मुस्लिम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। छोड़ दे इन अपने फरोगी इख्तिलाफात को, आ एक पेज पे इकट्ठा हो, रब की तौहीद पे ईमान रख, हुजूर की खत्म नबूवत पे ईमान रख, सहाबा और अहले बैत को हक मान, औलिया अल्लाह की इताअत कर, फिर देख मोदी है या ट्रंप है, कोई भी अल्लाह उन्हें जलील करके तेरे कदमों में लेके आए।
अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह रब्बुल इज्जत पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तानियों को सलामत रखे। अल्लाह करे अल्लाह इंशाअल्लाह एक मदीना और एक पाकिस्तान, ये दो मुल्क हैं जिनकी बुनियाद कलमा इस्लाम है, इस और बुनियाद मजबूत है। आप किसी बिल्डिंग को देखते हो तो कहते हो बिल्डिंग इतनी मजबूत है, इसकी बुनियाद कितनी मजबूत होगी। पाकिस्तान अब तक कायम है और इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा, मदीना दुनिया के नक्शे पर कायम रहेगा, इसलिए कि मदीना की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह है, पाकिस्तान की बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह है। जो हाथ जो आंख मदीना की जानिब उठेगा, ये मुसलमान मुत्तहिद होकर उसका मुकाबला करेंगे। जो हाथ जो आंख पाकिस्तान की जानिब आएगा, ये मुसलमान तमाम फरोगी इख्तिलाफात को भुलाकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए पाक फौज के शाना बशाना कदम मिलाकर चलेंगे। पाकिस्तान उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़ साद नशरियात।